कांवड़ियों के लिए खास तरह का इंतजाम करने वाली उत्तराखंड सरकार ने अब एक और व्यवस्था कर दी है। कांवड़ पटरी से जाने वाले भक्तों को तेज धूप के कारण लगने वाली गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम जगह जगह वाटर फाउंटेन लगाने का काम कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को सफल और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार और प्रशासन हर तरह की मशक्कत कर रहा है। कांवड़ यात्रियों का स्वागत जलवर्षा के साथ करने के लिए नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने काम की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों पर जलवर्षा का प्रबंध प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 5 जगह चिन्हित की गई है जहाँ पर वाटर फाउंटेन लगाया जा रहा है, जिसका लोकार्पण भी जल्द कर दिया जाएगा। मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कावड़ पथ पर शिव भक्त कावड़ियों पर जल वर्षा वाटर फाउंटेन से की जाएगी। ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि जब कावड़ यात्रा होती है तब काफी धूप और गर्मी होती है, जिससे राहत देने के लिए इस बार वाटर फाउंटेन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस पहल से कांवड़ियों को काफी राहत मिलेगी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले जो हमारा कांवड़ का जो पर्व है, उसमें जो जितने भी कांवड़िए उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, उनकी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है, उमस भी बहुत रहती है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको जितनी भी अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये DM साहब ने एक आदेश दिए हैं कि आप 5-6 जगहों पे वाटर स्प्रिंकल्स लगाएं। तो हम लोगों ने उसी की व्यवस्था करी है, जो कि एक शंकराचार्य चौक पे, देवपुरा पे, पुल जटवाड़ा पे, और इस तरह से 5 पॉइंट को चूज़ किया है जहाँ पर हम लोग वाटर स्प्रिंकल्स लगा रहे हैं, जिसकी टोटल चौड़ाई 30 फुट की रहेगी और उसमें लगातार पानी आता रहेगा। तो उसका कार्य जारी है, करीबन 2 दिन के अंदर वो पूरा 5 के 5 वाटर स्प्रिंकल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।